राहुल लिमिटेड, इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है प्राइवेट लिमिटेड में ऑन 1st अगस्त 2023, और ये बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं 1st फेब 2023 से. द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस फॉर सच एक्विजिशन वॉज फिक्सड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31st जनवरी 2023, बट द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड that vendor would get 70% of the profit earned prior to 1st August as a compensation. Agreement के हिसाब से 1st August से पहले का जो profit है उसका 70% हम vendor को देंगे. Company के accounts 31st January तक बने हैं और trading P&L हमें already दिया हुआ है. Net profit हमें बता रखा है 9500 है. सेल्स कंपनी ने कितना किया, बेडर्स कितना हुआ यह बता रखा है. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट अर्न प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. स्टेट ऑल्सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रायर टू 1st अगस्त पेबल टू द वेंडर्स. हाउ शुड द कंपनी डील विद इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर एंडिंग 31st जनवरी 2024. तो ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे डीलिंग होगा, प्री प्रॉफिट का क्या करेंगे, पोस्ट प्रॉफिट का क्या करेंगे, ये सब डिटेल्स हमसे पूछी जा रही है. तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि इस साल हमारा प्री टाइम रेशो क्या है और सेल्स रेशो क्या है. टाइम रेशो की बात करते हैं हम लोग. तो सबसे पहला काम टाइम रेशो का करते हैं. हमें बता रखा है इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1st अगस्त को और स्टार्टिंग है 1st फेब से. तो 1st फेब टू 1st अगस्त एंड 31st जनवरी. तो 1st फेब से 1st अगस्त तक कितने महीने हो गए हमारे पास, टाइम रेशो क्या हो गया, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके कि टाइम रेशो की. हाँ जी, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 महीने प्री पीरियड के हो गए, 6 महीने पोस्ट पीरियड के हो गए. तो टाइम रेशो आ गया 1:1. तो यहां पर हमारा टाइम रेशो आ गया 1:1. अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्स रेशो के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी गई है हमें. सेल्स रेशो, सेल्स है 260,000. 260,000 की सेल में यहां पर हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है कि कंपनी ने जो सेल की है वो 1,16,000 की है. तो कंपनी तो पोस्ट पीरियड में ही सेल करेगी, तो कंपनी की सेल 1,16,000 है. सो पोस्ट पीरियड का सेल हमें कंपनी का सेल दे दिया, तो टोटल सेल 260 है, उसमें से 1,16,000 पोस्ट पीरियड की सेल है, तो प्री पीरियड की सेल कितनी हो गई, जल्दी से बताइए. 2,60,000 माइनस 1,16,000, 1,40,000. तो सेल्स रेशो क्या आ गया, 36:29 हमारा सेल्स रेशो आ गया. तो अब हमारे पास दो रेशो आ गए. ये दो रेशो हमें जनरली हर क्वेश्चन में निकालने होते हैं. अब हम स्टेटमेंट निकाल लेते हैं शोइंग द प्रॉफिट अर्न प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. यहां पर हम लोग वैसे ही फॉर्मेट बना लेते हैं जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस में बनाते हैं.
पर्टिकुलर्स और हम चाहें तो थोड़ा सा उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं कि हमने टोटल पर्टिकुलर्स लिखा, टोटल अमाउंट लिख दिया और क्या बेसिस है, क्या रेशो है, कितना प्रीमियम आया, कितना पोस्ट में आया। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेसिस, रेशो, प्री एंड पोस्ट। सबसे पहला काम करना होता है हमें जीपी रेशो, जीपी निकालना होता है। 55,600 दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट 55,600 और बेसिस होगा इसका सेल्स, क्योंकि तो सेल के बेसिस पर ही डिवाइड होगा। 36:29 तो कितना आ गया, डिवाइड करके बताइए जल्दी से अगर किसी ने डिवाइड किया है तो। कितना अमाउंट आया, पोस्ट पीरियड का 7,000 and establishment charges। क्योंकि हम इसको अलग अलग इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सब सेल्स के रेशो में ही जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा, हमने सीधा ही जीपी को इस रेशो में डिवाइड कर लिया। सैलरीज एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो सैलरी टाइम के रेशो में जाता है, टाइम का रेशो है 1:1। 18,300 को डिवाइड कर देते हैं 9,150। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस 2,750, टाइम के रेशो में जाएगा 2,750, टाइम के रेशो में जाएगा तो कितना आएगा 1,375। डायरेक्टर्स फीस कहां पर आता है जल्दी से बताइए, डायरेक्टर्स फीस कहां आएगा पोस्ट पीरियड में। तो मैंने पोस्ट पीरियड में लिख दिया 1,800। बैड डेट्स, वैसे तो सेल्स रेशो में होता है लेकिन शायद इस क्वेश्चन में बैड डेट्स के लिए कुछ बता रखा है। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 1,100 वर रिटर्न ऑफ प्रायर टू 1st August एज गिवन, जैसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1,100 प्री पीरियड का है तो पोस्ट पीरियड का कितना हो गया, आउट ऑफ 2,300 1,100 प्री पीरियड का है तो 1,200 पोस्ट पीरियड का हो जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है तो कहां पर आना चाहिए, पोस्ट पीरियड में आना चाहिए, तो मैंने पोस्ट पीरियड में लिख दिया डिवेंचर इंटरेस्ट। कमीशन एंड डिस्काउंट, कमीशन और डिस्काउंट किस पर देते हैं हम, सेल पर, तो किस रेशो में जाना चाहिए, सेल्स रेशो में, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1,600 कितना आ जाएगा,
डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में 5150। और कोई एक्सपेंस हमारे पास नहीं है, बस एक बात है कि हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जितना भी प्री पीरियड होगा उसका 70% हम लोगों को वेंडर को देना पड़ेगा। तो वेंडर्स शेयर इन प्री प्रॉफिट 70% ऑफ। हम क्या करते हैं, सेल में से प्री प्रॉफिट प्री एक्सपेंसेस सब लेस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। अभी तक प्री प्रॉफिट कितना आ रहा है अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 30,794 में से अगर हम सभी एक्सपेंसेस लेस कर दें तो अभी कितना प्रॉफिट आ रहा है प्री प्रॉफिट 8,813। तो इसका 70% कितना हो गया 8,813 का 70% 6,169 या 70 6,169 क्योंकि ये प्री पीरियड के लिए हम दे रहे हैं, प्री पीरियड में आ जाएगा। बाकी हमारा जो प्रॉफिट है प्री प्रॉफिट आ जाएगा। तो 8,813 में से 6,169 लेस कर देंगे तो 2,644 प्री प्रॉफिट आ जाएगा। और पोस्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है 687। हम लोगों ने प्री और पोस्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको कैसे डील करना है, जो भी प्रॉफिट होगा तो प्री प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे आप, और पोस्ट प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट है, पीएनएल में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टनर्स ऑफ मेसर्स विराट एंड कंपनी, उन्होंने डिसाइड किया कि इस पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं विराट लिमिटेड फ्रॉम 1st January 2022। द कंसिडरेशन वॉज डिसाइडेड 1,17,00,000 बेस्ड ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31st December 2021। However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st April. तो अभी तक की information से हमें क्या पता चला? Business खरीदा गया है 1st January से, लेकिन incorporation हुआ है 1st April को. Date of incorporation, date of acquisition. Meanwhile, the business was continued on behalf of the company and the consideration was settled on the day with the interest at the rate 12% per annum. तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस दिन PC की purchase consideration की payment हुई है with interest और ये है 12% per annum. ठीक है, the same book of account were continued by the company which closed its book for the first time on 31st March 2023. जो accounting है वो 31st March 23 को पहली बार close हुआ।
ईयर एंड, ईयर एंड क्या इधर ज्यादा ही एंड हो गया, 12 मंथ्स बाद में हो गए और 3 मंथ पहले, तो टोटल 15 मंथ्स की अकाउंटिंग है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में, 3 मंथ पहले प्री पीरियड है तो 9 मंथ पोस्ट पीरियड लिख देते हैं और ये देखते नहीं है कि अकाउंटिंग ये कहीं 15 मंथ्स या 9 मंथ्स कम पीरियड, 12 मंथ से कम या 12 मंथ से ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा देखते नहीं है, जबकि आपको ऐसा ज़रूर देखना है। पी एंड एल का समराइज हमें करके दिया हुआ है और 19,17,000 रुपीज का प्रॉफिट है। यहां लिखा है कंपनी के पास केवल एक ही लोन है 50,00,000 रुपए का, जो 12% पर एनम के हिसाब से इन्होंने लिया था ताकि परचेस कंसिडरेशन की पेमेंट करी जा सके, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का के लिए भी इन्हें पैसा चाहिए था। तो एक ही है इनका इंटरेस्ट, ये 9,51,000। कंपनी ने डबल करा अपनी मंथली सेल को 1 अप्रैल से, लेकिन सैलरी ट्रिपल हो गई। इन्होंने एक नई जगह 1 जुलाई से लिए 30,000 के हिसाब से। हमें पीएनएल बनाना है और प्री पोस्ट प्रॉफिट निकालना है, और क्या करेंगे उस प्री पोस्ट प्रॉफिट का वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहला काम बच्चों हमें क्या करना होता है, टाइम रेशो निकालते हैं, क्या आ रहा है टाइम रेशो। तो टाइम रेशो है 3 मंथ्स और 12 मंथ्स, 1:4। अब हम बात करते हैं सेल्स रेशो की। सेल्स रेशो के लिए बोला है कंपनी ने अपनी एवरेज मंथली सेल डबल कर ली है 3 महीने और 12 महीने प्री और पोस्ट पीरियड में। अगर यहाँ 1 रुपये पर मंथ की सेल होती थी तो यहाँ पर 2 रुपये पर मंथ की सेल होने लग गई है, 1:8 हमारा सेल्स रेशो आ जाएगा, ठीक है। और यहां बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कंपनी की सैलरी ट्रिपल हो गई है, सैलरी या 1 थी तो यहां 3 हो गई है। तो सैलरी का रेशो 1:12 आ गया। रेंट के लिए और बता रखा है कि इन्होंने एक एडिशनल रेंट लिया 1 जुलाई से प्री एंड पोस्ट पीरियड, प्री पीरियड में बताया हुआ है कि 3 महीने हैं और पोस्ट पीरियड में 12 महीने हैं, लेकिन 1 जुलाई हमारा पोस्ट पीरियड में आता है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमारे 9 महीने होते हैं, 9 महीने में एडिशनल स्पेस की, इन 12 महीने में से 9 महीने में एडिशनल स्पेस लिया हमने 30,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 2,70,000 रुपीस न्यू स्पेस का है। हमारा जो रेंट है वो टोटल 7,20,000 है, तो इस 720 में से जो रेंट है वो 720 है, इसमें से न्यू स्पेस का जो रेंट है वो 270 है, तो बाकी बचा 4,50,000। ये हमारा ओल्ड रेंट है और ये टाइम रेशो में डिवाइड होना चाहिए 1:4।
3,60,000 pre and post. तो हम लोगों ने लगभग सारी एडजस्टमेंट भी देख ली है, एक इंटरेस्ट रह गया है वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टी पीरियड में 1,17,00,000 रुपए पर 12% 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। ₹3,51,000 फिर बोल रखा है कि हमने 50 लाख का लोन लिया है और इकलौता यही लोन है, तो 50 लाख का लोन 12% 6 लाख, और अगर हम ध्यान से देखें तो 6 लाख और 3,50,000 3,51,000 मिलाकर 9,51,000 होते, तो इसका मतलब हमने इंटरेस्ट का भी हिसाब किताब लगा लिया। अब हम रेडी हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, तो ये सब वर्किंग्स हैं, इन सब को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि मैं मेन क्वेश्चन कर पाऊँ, तो इस साइड ले लेता हूँ। तो जरूरत पड़ेगी तो उसको हम देख लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, इसमें हमारा पार्टिकुलर्स और बेसिस रेशो, बेसिस रेशो का अलग अलग भी बनाया जा सकता है, जैसे मैं बना रहा हूं अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो पर्टिकुलर्स इस बेसिस पे एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे, रेशो क्या आएगा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले सेल्स, जो सेल्स है सेल्स के बारे में हमें बता रखा है कि कितना प्री पीरियड में है और कितना पोस्ट पीरियड में है, तो सेल्स रेशियो में पता है, तो सेल्स रेशो में जाएगा ये। तो वैसे तो जीपी हम निकाल के सीधा उसे भी हम सेल्स रेशो में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा ही कर लेते हैं। हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 2,43,00,000 माइनस 1,72,80,000, तो 70,20,000 रुपीज का जीपी है, इसे सेल्स रेशो में डिवाइड करना है 1:8। तो 7,80,000 और 62,40,000, अब इसमें से लेस करेंगे हम
ये सेल्स और सीओजीएस तो हमने ले लिया, सैलरीज तो बेसिस क्या लेंगे सैलरी के लिए, एज गिवन जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, और सैलरी का रेशियो हमने क्या निकाला था, सैलरी का रेशियो था हमारा 1:12। और सैलरी है 11,70,000 90,000 10,80,000 डेप्रिशिएशन टाइम के रेशो में जाता है 1:4, तो 1,80,000 को 1:4 में डिवाइड कर देते हैं 36,000 1,44,000 एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशो में जाता है 7,78,000 6,24,000 डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर होगी सेल्स रेशो में 11,70,000 1,30,000 10,40,000 मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन ये पोस्ट पीरियड में आएगा और 90,000 है। मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं 1,20,000 24,000 96,000 ऑफिस कम शोरूम रेंट एज गिवन जैसा दिया है उस हिसाब से लिख लेते हैं। तो जो ओल्ड रेंट है ओल्ड रेंट वो आएगा 90,000 और 360 और न्यू रेंट आ जाएगा 270। ये तो ओल्ड रेंट है और ये न्यू रेंट है, टोटल कर लेता हूँ 7,20,000 बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट जैसे कि हमें दिया इंटरेस्ट उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है 351 and 6 lakh। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 7,80,000 -90,000 -36,000
माइनस 78,000 माइनस 130,000 माइनस 24,000 माइनस 90,000 माइनस 351,000। ये तो लॉस आ गया, तो लॉस जाता है गुडविल में। टी पीरियड का लॉस है 19,000 और पोस्ट पीरियड में 62,40,000 माइनस 10,80,000 माइनस 1,44,000 माइनस 6,24,000 माइनस 10,40,000 माइनस 90,000 माइनस 96,000 माइनस 3,60,000 माइनस 2,70,000 माइनस 6,00,000 19,30,000 ये हमारा प्रॉफिट आ गया पोस्ट पीरियड का 19,36,000। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है, कि क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी देखने में लगे बहुत बड़ा है लेकिन ये होता बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। पार्टनर है कुंबले लिमिटेड में, द पार्टनर्स ऑफ कुंबले एंटरप्राइजेस डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप फर्म इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी श्रीनाथ प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2013। तो 1 जनवरी 2013 से पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। हाउएवर कंपनी कुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली ऑन 1 जून। कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली ऑन 1 जून, इसका मतलब कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो 1 जून को हुआ है। द बिजनेस वाज कंटिन्यूड on behalf of the company and the consideration of rupees 6 lakh was settled on the day along with the interest on 12% per annum। 12% per annum के हिसाब से इनका interest decide हुआ है जो ये interest देंगे। इसका मतलब 6 लाख रुपए में business बिका है और 6 लाख रुपए पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना तय हुआ है। कंपनी ने लोन लिया 9 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 1 जून को, ताकि ये पेमेंट कर पाए इंटरेस्ट और लोन की, पुराने वाले पीसी की परचेस कंसीडरेशन की पेमेंट कर पाए और इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाए। उसके लिए इन्होंने एक नया लोन लिया है, जहां पहले ये 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे थे अब इन्हें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन्होंने लोन लिया है ताकि ये अपने परचेस कंसीडरेशन की पेमेंट कर पाए, टू पे परचेस कंसीडरेशन एंड फॉर द वर्किंग कैपिटल। तो 6 लाख रुपए तो परचेस कंसीडरेशन, बाकी का अमाउंट वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। द कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31st मार्च 2014। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 15 महीने पर फर्स्ट अकाउंटिंग इनकी चली है। हमें पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन है सेल्स से रिलेटेड। सेल्स जून से दिसंबर 2.5 times थी एवरेज सेल की, फिर ये 3.5 times थी जनवरी टू मार्च, तो सेल्स रेशो के लिए काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। और कंपनी ने एडिशनल वर्क के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जिससे इनकी सैलरी डबल हो गई है। कंपनी ने एडिशनल शोरूम भी लिया है जिससे रेंट भी बढ़ गया होगा। और कुछ हमें पीएनएल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम टाइम रेशो, सेल्स रेशो, सैलरी रेशो, इन सबके रेशो निकाल रहे थे वर्किंग नोट में, ठीक है।
वर्किंग नोट में हम सबसे पहले करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टाइम रेशो। टाइम रेशो की कंप्यूटेशन करते हैं। तो हमारा है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, पर जून को तो हो ही गया है ना इनकॉर्पोरेशन, तो 5 मंथ्स हमारे प्री पीरियड में है। प्री पीरियड में 5 मंथ्स है और पोस्ट पीरियड में जून टू मार्च, जून 13 टू मार्च 14, 10 मंथ्स है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स। तो टाइम रेशो हो गया 1:2। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सेल्स रेशो की। सेल्स रेशो तो सेल्स रेशो में हमें बता रखा है, पहले हम देख लेते हैं 5 मंथ्स है शुरू में, प्री पीरियड में 5 मंथ्स है और पोस्ट पीरियड में 10 मंथ्स है। तो लिखा है सेल के लिए कि सेल फ्रॉम जून टू दिसंबर 2.5 times ऑफ द एवरेज सेल्स। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स पोस्ट पीरियड के, पोस्ट पीरियड के 7 मंथ्स हमारा जो सेल है वो 2.5 times है। और लिखा है फर्दर इंक्रीज टू 3.5 times इन जनवरी टू मार्च। तो इसके बाद में ये हमारी आखिरी 3 महीने में 3.5 times हो गई है। तो ये हमारी अमाउंट कितनी हो गई, 7 × 2.5, 17.5, 3 × 3.5, 10.5 प्लस 17.5, तो 28 तो पोस्ट पीरियड की हो गई है ना। तो एवरेज सेल्स रही होगी पहले 5, तो 5 और 28, तो 5:28 का हमारा रेशो हो गया। तो सेल्स रेशो इज 5:28। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी के लिए क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है हमारी सैलरी जुलाई से डबल हो गई है। तो प्री पीरियड में 5 महीने है जून तक, पोस्ट पीरियड में 10 महीने है जुलाई से। ठीक है, जून तक नहीं, मई तक है प्री पीरियड में, है ना। तो जुलाई में इन्होंने डबल करी है, इसका मतलब यहाँ अगर 1 रुपया है तो यहाँ पर 1 महीना 1 रुपया और 9 महीना 2 रुपया, तो इसका मतलब ये हो गया 19, तो रेशो हो गया 5:19। तो हमारे पास टाइम रेशो आ गया, सेल्स रेशो आ गया, हमारे पास सैलरी का रेशो आ गया। रेंट की और बात कर लेते हैं, रेंट के बारे में बता रखा है। रेंट के लिए बोल रखा है कंपनी हैज एक्वायर्ड एडिशनल शोरूम जुलाई से, ये भी है 10,000 पर मंथ। तो टोटल रेंट कितना दिया हुआ हमें, 1,35,000। ठीक है ना, इसमें से न्यू रेंट 1 जुलाई से है, न्यू रेंट 1 जुलाई से है
10,000, तो जुलाई से हमारे 9 months होते हैं और इन 9 months में मंथली रेंट 10,000 है, 90,000 हमारा न्यू रेंट है, तो ओल्ड रेंट हमारा हो गया 1,35,000 माइनस 90,000, दैट इज 45,000, और ये टाइम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 1:2 में। एक चीज हो रहा है और वो है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की बात भी कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमें दिया है 1,05,000, जिसमें से प्री पीरियड का है 6 lakh इंटू 12% इंटू 5 months, ठीक है, तो 6 lakh, ये 30,000 हो गया, बाकी पोस्ट पीरियड का हो जाएगा 1,05,000 माइनस 30,000, 75,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर ली, थोड़ा सा मेरे पीछे छुप गया होगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैं वैसे ही छोटा हूँ और अब थोड़ा सा आ भी रहा होगा, तो वो प्रॉफिट वगैरह का अमाउंट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लो चलो, अब वो भी हट गया, अगर आ गया होगा तो। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और आप लोग भी करिए साथ साथ। अब तक का क्वेश्चन अगर मेरे साथ नहीं किया तो वीडियो पॉज करिए, पहले मेरे बराबर आइए और उसके बाद में आप मेरे साथ करिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स या बेसिस है, क्या रेशियो है और प्री में कितना आ रहा है और पोस्ट में कितना आ रहा है, पर्टिकुलर्स बेसिस रेशियो प्री एंड पोस्ट। सबसे पहले सेल्स दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट ही निकाल लूँ, नहीं तो मुझे सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिस सिंपल है, सेल्स रेशो में सेल्स रेशो है 5:28 और हमारा जीपी है 19,80,000, जो सेल्स है इसमें से मैं 11,88,000 लेस कर देता हूँ, तो 7,92,000 बचता है और इसको 5 और 28 के रेशियो में डिवाइड कर देता हूँ, 1,28,000 और 6,72,000, तो सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। नाउ डिस्काउंट टू डीलर्स, डिस्काउंट टू डीलर्स सेल्स रेशियो में होना चाहिए, ये है 46,200 डिवाइड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 5 7,000,
for 28 equal to 39,200. ठीक है. नेक्स्ट है डायरेक्टर्स रेमुनरेशन. पोस्ट पीरियड में जाएगा, कंपनी का है 60,000. सैलरीज बेसिस है, हमने वर्किंग नॉन में कर रखा है और उसका रेशो आया था सैलरी का 5:19. तो 90,000 को डिवाइड करते हैं 24 से, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 18,750, 19 इक्वल टू 71,250. रेंट वर्किंग नोट, रेंट के लिए हमने बात करी है न्यू रेंट पोस्ट में और 45,000 का 1:2 में. न्यू रेंट पोस्ट पीरियड में और ओल्ड रेंट 45,000 का टाइम रेशियो में 1:2. तो 1:2 में 45,000 डिवाइड करेंगे तो 15,000 टू 30,000 आ जाएगा. नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 1,05,000, वर्किंग नोट में करा हमने. इंटरेस्ट हमारा 30,000 है जो प्री पीरियड में आएगा, तो इंटरेस्ट 1,05 में से 30 आ जाएगा प्री में, तो 75,000 पोस्ट में. डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में 30,000, 10,000, 20,000. ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में 1,05,000 को 35,000, 70,000. सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में 5:28, 5,000, 28,000. preliminary expenses post period में 15,000. total cost 7,000, 18,750, 15,000, 30,000, 10,000, 35,000, 5,000, 1,20,000, 750. तो हमें 750 का लॉस हो जाएगा.
लॉस 750, प्री पीरियड का है तो गुडविल में ट्रांसफर हो जाएगा, और पोस्ट पीरियड में टोटल है 1,92,60,000, 71,250, 90,000, 30,000, 75,000, 20,000, 70,000, 28,000, 15,000, 4,98,450, -672,000, 1,73,550 का रिवेन्यू नेजर का प्रॉफिट आ गया फर्स्ट पीरियड का। अब हमें कायदे से चेक कर लेना चाहिए कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक का, एक हल्का सा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड लगेंगे, इन दोनों का सम किया जाए, ये जैसे लॉस है इन दोनों का सम किया जाए, हमने जो प्रॉफिट दिया 172,800 का जो प्रॉफिट दिया है इससे मैच हो जाना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए बाई चांस कोई मिस्टेक है तो उसका। सुनील प्राइवेट लिमिटेड है, इनका इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त 2013 को, और ये बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं मेसर्स गावस्कर एंड कंपनी का 1 अप्रैल 2013 से। हमें P&L अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2014 को, जहां पर हमें नेट प्रॉफिट उसका बता रखा है 90,000। जीपी रेशो कांस्टेंट है, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, कंपनी ने एडिशनल स्पेस लिया है, रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, बैड डेट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, सैलरी के लिए पॉइंट नंबर 5 में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट के लिए बता रखा है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें दे रखी हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। हमेशा की तरह सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सेल्स रेशो टाइम रेशो का पता लगाना चाहिए। तो इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अगस्त को और बिजनेस खरीदा है 1 अप्रैल से, और ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2014 को। तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो हमारे पास प्री पीरियड में 4 महीने हो गए, पोस्ट पीरियड में 8 महीने हो गए, तो 1:2 का हमारा टाइम रेशो आ गया। तो टाइम रेशो आ गया 1:2। अब हम सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 है जहां हमें सेल्स के लिए बताया है कि सेल्स अगस्त से नवंबर तक की 1.5 times है एवरेज मंथली सेल ऑफ प्री पीरियड, और दिसंबर और मार्च की 2 times है एवरेज सेल्स ऑफ प्री पीरियड। तो हमारे को प्री पीरियड में सेल्स रेशो के लिए जब हमें कैलकुलेशन करना है प्री एंड पोस्ट पीरियड, प्री पीरियड में हमारे पास है अप्रैल मई जून जुलाई, और पोस्ट में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये हमारे पास टाइम पीरियड है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि अगस्त से नवंबर तक की सेल 1.5 times है एवरेज मंथली सेल ऑफ प्री पीरियड। प्री पीरियड की एवरेज मंथली सेल मान लेते हैं 1 rupee है, तो टोटल 4 rupees हो गई 4 months की सेल। अगस्त से नवंबर 1.5 है,
तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चार महीने की सेल 1.5 टाइम्स है एवरेज मंथली सेल की, वो मैंने 1.5 लिख दिया। दिसंबर से मार्च तक 2 टाइम्स है, दिसंबर से मार्च तक 2 टाइम्स है एवरेज मंथली सेल का। तो इस हिसाब से मैंने अगर इसका टोटल किया तो इसका जो टोटल आता है वो आता है 6 and 8 14। तो 4:14 मीन्स 2:7 हमारा सेल्स रेशो आ गया। तो सेल्स रेशो हमने निकाला 2:7, टाइम रेशो हमने कैलकुलेट किया 1:2, और काफी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है जिसके बेसिस पर हम लोग P&L अकाउंट बनाते हैं। स्टेटमेंट showing pre and post incorporation profit. तो pre और post incorporation profit के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, particulars, अमाउंट, बेसिस, रेशो, प्री एंड पोस्ट। Particulars, amount, basis, ratio, pre and post. सबसे पहले gross profit, जो gross profit है वो sales के ratio में divide होगा। gross profit है 9,45,000, सेल्स के रेशो में, और सेल्स का रेशो है 2:7। तो 9,45,000 को 2 और 7 के रेशो में डिवाइड करिए, क्या आता है? 6 पॉइंट देखिए क्या लिखा है। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन मे 2013 एट ए प्रॉफिट ऑफ 27,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड इन टू द सेल्स एंड अल्टीमेटली टू जीपी। तो 27,000 का जो प्रॉफिट है वो हमने जीपी में इंक्लूड कर रखा है, तो ये बात तो ठीक नहीं है क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जीपी में तो नहीं आना चाहिए। तो हमारा जो जीपी दिया हुआ है 9,45,000, इसमें से लेस कर देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 27,000। तो एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा करेक्ट जीपी कितना आ गया? 9,18,000 के जीपी को डिवाइड कर देते हैं 2:7 के रेशो में, तो क्या अमाउंट आ गया?
लेस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट 99,000 रुपीस हमारा एक्सपेंस है, और एडवर्टाइजमेंट हमें पता है सेल्स के रेशियो में डिवाइड होता है। अच्छा, हम चाहें तो पहले इनकम को ऐड भी कर सकते हैं। दो इनकम है हमारे पास, एक है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और एक है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक फोर्थ पॉइंट में बता रखा है कि बेडर से रिकवर्ड हुए हैं, तो हमारे पास तीन इनकम भी हैं। तो हम चाहें तो पहले इनकम को ऐड करके फिर एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नेगेटिव फिगर आ सकता है। चाहें तो हमने पहले माइनस कर देंगे एक्सपेंस, बाद में ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप चाहें तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इनकम को ऐड कर देते हैं इनडायरेक्ट इनकम। और इसमें सबसे पहले लिखा है हमारे को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर सिक्स में बता रखा है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को मई 2013 में सेल आउट कर दिया गया है। मई 2013 प्री पीरियड को बिलोंग करता है, इसका मतलब हमने प्री पीरियड में सभी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर दिया, तो इसका मतलब प्री पीरियड में ही जो इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट पर वो प्री पीरियड में हुई है, पोस्ट पीरियड में हमें कोई भी इनकम नहीं हुई। तो जो इंटरेस्ट मिला है हमें 16,000 का, वो प्री पीरियड में आएगा जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 16,000 हमने प्री पीरियड की इनकम में लिख दिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 27,000 प्री पीरियड से रिलेटेड है, क्योंकि हमने प्री पीरियड में इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। अगर हम इसे जीपी से हटाते नहीं तो ये सेल्स रेशियो में डिवाइड हो जाता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जबकि ये प्री पीरियड में आना चाहिए था, इसलिए हमने वहां से हटाकर यहाँ पर अलग से इसे लिख दिया। पॉइंट नंबर फोर कह रहा है कि बेड डेट्स जो दिए हुए हैं ये 9,000 बेड डेट्स रिकवर्ड के बाद में है, जो बेड डेट्स रिकवर्ड जुलाई 2013 में हुए। अगेन जुलाई 2013 प्री पीरियड को बिलोंग करता है, और जो बेड डेट्स रिकवर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं बेड डेट्स रिकवर्ड 9,000। ये 9,000 भी प्री पीरियड में है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में किया हुआ है। तो ये हमारी इनकम हो गई, प्री पीरियड की इनकम का टोटल कर लेते हैं क्या आ गया। टू लैख 4,000 प्लस 16,000 प्लस 27,000 प्लस 9,000 2,56,000। अब इसमें से माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट 99,000, सेल्स के रेश में जाना चाहिए 2:7, तो 22,000 और 77,000। नेक्स्ट वन इज ऑडिट फीस, पोस्ट पीरियड में जाता है, कुछ नहीं कहा होता तो हम एज्यूम करते हैं कंपनी ऑडिट फीस है, पोस्ट पीरियड में जाएगा। बेड डेट्स 27,000 दिया हुआ है,
इस 27,000 में 9,000 बैड डेट्स रिकवर्ड था, तो वो हमने अलग से इनकम में लिख दिया। इसका मतलब हमारे जो बैड डेट्स हैं वो 27,000 प्लस 9,000, हमारे जो बैड डेट्स हुए हैं वो 36,000 के हुए हैं। क्योंकि इनकम हमने अलग से लिख दी और बैड डेट्स सेल्स के रेशियो में डिवाइड होने चाहिए, तो 2:7 के रेशियो में डिवाइड करिए, क्या आता है 36,000 को 36,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 8,000 28,000 डेप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन टाइम के रेशो में जाता है, सेवन थाउजेंड एंड 14,000 डिस्काउंट नाइन थाउजेंड सेल्स के रेशो में 2,000 7,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पोस्ट पीरियड 2,000 कंपनी करती है जब स्टार्ट होती है, तो ये भी कंपनी के एक्सपेंस होते हैं, पोस्ट पीरियड में आएगा। रेंट रेंट के लिए हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रेंट का एक्सपेंस है 1,40,000। रेंट के लिए हमें बता रखा है थर्ड पॉइंट में कि कंपनी ने एक एडिशनल स्पेस लिया है 5,000 पर मंथ के हिसाब से दिसंबर में, तो हमें पता है कि जो टोटल रेंट है वो 1,40,000 है और दिसंबर से मार्च तक 4 महीने का रेंट 20,000 है जो पोस्ट पीरियड को बिलोंग करता है। एडिशनल रेंट 20,000 का पोस्ट पीरियड को बिलोंग करता है, जो बाकी बचा 1,20,000 का नॉर्मल रेंट टाइम के रेशो में जाना चाहिए 1:2 के रेशो में, तो 1,20,000 को टाइम के रेशो में डिवाइड करिए 40 और 80, तो प्री पीरियड में हमारा हो गया 40,000 और पोस्ट पीरियड में हो गया 1,00,000। देखिए रेंट हमने एक नई जगह ली है दिसंबर से 5,000 के हिसाब से, तो 5,000 के हिसाब से 4 मंथ्स का 20,000 पोस्ट पीरियड में आना चाहिए, बाकी बचा हुआ टाइम रेशो में। रेंट के बाद में हमें सैलरी के लिए दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट में कि सैलरी के लिए, फिफ्थ पॉइंट में कि सैलरी एक मैनेजर की इंक्रीज हुई है अगस्त से, बाकी सबकी सेम है, तो इसके लिए भी हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो जो न्यू सैलरी है इंक्रीमेंट हुई है वो अगस्त से हुई है, मतलब पोस्ट पीरियड में। और पोस्ट पीरियड में 8 महीने हैं, सैलरी 2000 रुपये के हिसाब से हुई है, तो 8 महीने की 16000 रुपये पोस्ट पीरियड में आ गई। टोटल सैलरी हमारी है 4,48,000। तो ओल्ड एम्प्लॉयज की सैलरी या एग्जिस्टिंग सैलरी हम बोलें, 4,48,000 में से 16,000 अगर हम लेस कर दें तो 4,32,000 होती है, जो टाइम रेशो में डिवाइड होनी चाहिए 1:2 में। तो 4,32,000 को 1:2 में डिवाइड करिए, 1,44,000 एंड 2,88,000। 1,44,000 प्री पीरियड की हो गई और 3,04,000 पोस्ट पीरियड की हो गई, जस्ट लाइक रेंट हमने किया था। तो सैलरी 4,48,000 को हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट किया, 1,44,000 एंड 3,04,000। अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी देती है अंडरराइटर्स को शेयर्स और डिबेंचर इशू करने के लिए, तो ये पोस्ट पीरियड का ही एक्सपेंस होता है। और कोई एक्सपेंस नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। प्री एंड पोस्ट, तो 2,56,000 में से 22,000, 8,000, 7,000, 2,000, 40,000, 1,44,000 लेस कर देते तो हमारे पास प्री प्रॉफिट आ जाएगा 33,000। और पोस्ट प्रॉफिट 7,14,000 माइनस 77, 15, 28,000, 14,000, 7,000, 80,000, 12,000, 1,00,000, 3,04,000 and 20,000, 57,000 post profit, 3 and post profit.